सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के बारे में बात करेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या होते हैं और वो इन्वेस्टर को किस तरीके से हेल्प करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जानना है, तो इस फाइनेंशियल रेशियो वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने फाइनेंशियल रेशियो के बेसिक्स के बारे में बात करी है और साथ ही साथ डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में भी बताया है। तो अब हम सेकेंड रेशियो की बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। इट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये रेशियो आपको बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है पर यूनिट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो जैसा कि हमने अभी बात करी थी डेट फाइनेंसिंग के बारे में पिछले रेशियो में, डेट टू इक्विटी में, सो कंपनी कैन फंड इस ऑपरेशन यूजिंग डेट ऑल्सो एंड इक्विटी ऑल्सो। यहाँ पे ये रेशियो आपको बताता है कि जितनी उसने इक्विटी यूज़ करी है उसके ऊपर वो कितने प्रॉफिट्स जनरेट करता है। नाउ ये रेशियो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, और ये अगेन ज़रूरी है कि आप देखें कि ये रेशियो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कंपनीज़ में किस तरीके से वेरी कर रहा है उस इंडस्ट्री के बिजनेस को अच्छे से गॉश करने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर ये रेशियो इंक्रीजिंग है ओवर द पास्ट 3, 4, 5 ईयर्स, तो ये बताता है कि कितना इफेक्टिवली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ डिप्लॉइंग इट्स इक्विटी इन टू इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। तो मतलब कितने अच्छे से एक मैनेजमेंट अपने बिजनेस या अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और जितने अच्छे से वो इन्वेस्ट करेगा उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा कंपनी के लिए। यहीं पे ये रेशियो डिक्लाइनिंग है अगर ओवर द प्रीवियस 4, 3 ईयर्स, तो ये बताता है कि द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ नॉट इफेक्टिव इन डिप्लॉइंग द इक्विटी इन टू एसेट्स। तो कितना मैनेजमेंट अफेक्टिव नहीं है और वो एक ऐसे एसेट्स या ऐसे ऑपरेशंस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जो कि प्रोडक्टिवली कंपनी का प्रॉफिट्स नहीं बढ़ा रहे हैं पिछले ओवर द पास्ट 3, 4 ईयर्स, तो ये रेशियो आपको डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिखेगा। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल लेता है, इसके थ्रू समझाता है वो मैं आपको कि किस तरीके से कंपनी अपना ROE बूस्ट कर सकती है, विच इज़ जनरली यूजिंग डेट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलते हैं कि टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर फाइनेंस बाय इक्विटी विच इज़ ₹100। सो इस 100 रुपीज़ पे अगर कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट 10 रुपीज़ का बनाया किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो दिस मीन्स ROE विल बी कैलकुलेटेड एज 10/100 विच इज़ 10%। इट्स वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कंसिडर कि यही केस में जो टोटल 100 रुपीज़ के एसेट्स थे उसको उसने 50 रुपीज़ डेट लिया और 50 रुपीज़ इक्विटी फाइनेंसिंग किया, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 का हो जाता है 50/50। नाउ लेट्स से कि उसको जो उसने डेट लिया है 50 रुपीज़ का, उसको 5% पे इट टुक द डेट फ्रॉम एनी बैंक और whatever। नाउ दिस मीन्स कि उसको 2.5 रुपीज़, विच इज़ 5% ऑफ 50 रुपीज़, इज़ द डेट ऑब्लिगेशन विच द कंपनी हैज़ टू रीपे एट द एंड ऑफ द ईयर। नाउ अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट्स की बात करें, तो जो हमने प्रॉफिट्स 10 रुपीज़ बनाए थे द फर्स्ट केस में जहाँ पूरी इक्विटी फाइनेंसिंग थी, इस केस में द प्रॉफिट्स विल बी डिक्रीज बाय 2.5 रुपीज़। तो यहाँ पे 10 - 2.5, 7.5 रुपीज़ आपके नेट प्रॉफिट्स होंगे। नाउ अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं तो इट विल बी 7.5 / 50। नाउ यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं कर सकते आप, बिकॉज आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग इस केस में 50 ही है, 50 आपने डेट से लिया है। तो दिस 7.5 / 50 बूस्ट योर ROE टू 15%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जस्ट बाय मिक्सिंग डेट एंड फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस, अभी भी टोटल एसेट साइज दोनों केस में सेम था, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने डेट से फाइनेंस कर लिया मेरा ROE ऑटोमेटिकली 15% बूस्ट कर गया 10% से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ROE अराउंड 10% है, और इंडस्ट्री जिसमें रिलायंस वर्क्स, उस इंडस्ट्रीज का एवरेज अराउंड 15-16% है। तो अगर आप ROE मेजर करेंगे तो आप ये खाली अगर आप ये देखेंगे कि ROE का फिगर रिलायंस का इंडस्ट्री से कम है, तो यू विल से कि रिलायंस इज नॉट अ गुड कंपनी बिकॉज ROE इज 10% वर्सेज इंडस्ट्री विच इज 16। बट हमने लास्ट रेशियो में देखा था कि किस तरीके से डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ रिलायंस वॉज अराउंड 40% एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री ऑफ 60%। तो यहाँ पे रिलायंस डेट कम यूज करता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, तो मे बी उसका ROE इसलिए कम है क्योंकि उसने डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रखी है अपने बिजनेस और अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न वाई रिलायंसेज ROE इज़ लेस देन इट्स इंडस्ट्री। सो दोस्तों, आज हमने रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के बारे में बात करी। इस फाइनेंशियल रेशियोज वीडियो की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिविडेंड यील्ड रेशियो, PE रेशियो और फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो के बारे में बताएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि हमारी जैसी नेक्स्ट वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन आ जाए।